नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं, इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। महाराष्ट्र सरकार की हड़ताली, डॉक्टरों को डेडलाइन, आज शाम 8 बजे तक काम पर लौटे वरना 6 महीने की सैलरी कटेगी। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में हड़ताल पर गए डॉक्टरों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू। महाराष्ट्र के अस्पतालों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 1100 सुरक्षा गार्ड, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग पर सरकार ने उठाया कदम। हड़ताल कर रहे रेसिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में आए बीएमसी अस्पतालों के टीचिंग स्टाफ, शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी। डॉक्टरों की हड़ताल पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई। 2 दिन में 58 मरीजों की मौत। मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच संवेदनहीनता का वीडियो, साइन अस्पताल में बच्चे का इलाज करने से डॉक्टरों ने किया इनकार। साइन अस्पताल में बीमार बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा मजबूर पिता, डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। मुंबई के केएम अस्पताल में भी मरीज बेहाल, बीमार बच्चे को लेकर यहां भी भटकता रहा एक पिता, नहीं मिला इलाज। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया समर्थन, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के कानून को लागू करने की मांग। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हुए हड़ताल में शामिल, ओपीडी सेवाएं बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू। बीएमसी ने हड़ताल पर गए 500 डॉक्टरों का थपाया नोटिस, कोर्ट के आदेश के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने का मामला। महाराष्ट्र में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की सैलरी काटने की तैयारी, सरकार ले सकती है और भी कई कड़े फैसले। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट की घोषणा के दौरान हंगामा करने वाले 19 विधायक सस्पेंड, 31 दिसंबर 2017 तक विधानसभा में एंट्री नहीं। राम मंदिर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, फिरंगी महली ने कहा कोर्ट के बाहर समझौते को तैयार। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, 2018 में राज्यसभा में होगा बीजेपी का बहुमत, तब तक नहीं हुआ समझौता तो विधेयक लाकर बनाएंगे राम मंदिर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का किया स्वागत, कहा पीएम मोदी की शालीनता है, जो संसद में प्रस्ताव नहीं लाए पता चल जाता कौन राम मंदिर के विरोधी हैं। राम मंदिर पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, बातचीत से ही निकलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का बयान, राम मंदिर आस्था से ज्यादा राजनीति का विषय, सुप्रीम कोर्ट ही करे फैसला। राम मंदिर पर मुस्लिम धर्मगुरु उमर इलियासी का बयान, आपसी बातचीत से ही निकलेगा हल। अयोध्या मामले में आज सुनवाई टली, आडवाणी जोशी उमा भारती पर केस चलेगा या नहीं, इस पर अब कल होगी सुनवाई। अवैध बूचड़खानों पर यूपी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान, यूपी डीजीपी से गो तस्करी पर भी रोक लगाने को कहा। महिला के खिलाफ अपराध पर सख्ती के आदेश, चोरी की घटनाएं रोकने के लिए गश्त बढ़ाने के आदेश। यूपी में अब स्टेटस सिंबल के लिए नहीं मिलेगा गनर, सुरक्षा की समीक्षा करने का आदेश। यूपी में योगी सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, गाजियाबाद में 4 अवैध बूचड़खाने और 10 अवैध मीट शॉप सील कर दी गए। यूपी के संभल और वाराणसी में भी अवैध स्लॉटर हाउस पर पुलिस का छापा, पुलिस ने कई को किया सील। बूचड़खानों को लेकर आजम खान का बीजेपी पर निशाना, कहा जो अमित शाह कहें वही लीकर। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने ट्वीट कर सीएम से मांगी मदद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकवाद रोककर बातचीत करे पाकिस्तान, हम करेंगे सहयोग। एआईएडीएमके पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग आज करेगा फैसला, शशिकला और पनीर सेल्वम गुट को बुलाया। पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा। पूर्व सांसदों को पेंशन और भत्ते दिए जाने का एक एनजीओ ने किया है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दी है जनहित याचिका। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई। अहमदाबाद में गैंगस्टर दाऊद लाला गिरफ्तार, दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार भी है। अब वाराणसी में मिली आईएसआईएस की धमकी वाली चिट्ठी, पूर्वांचल में बम ब्लास्ट की धमकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने की आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, पीएम और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। दिल्ली की सरकारी योजनाओं से हटेगा आम आदमी शब्द, निगम चुनाव में आचार संहिता को लेकर फैसला। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव से 6,18,00,000 की पुरानी करेंसी जब्त, 1,000 और 500 के नोट, पुलिस ने 7 लोगों को भी पकड़ा। मुंबई में रफ्तार का कहर, मरीन ड्राइव में जगुआर से भिड़ी बाइक, 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मुंबई में धारदार हथियार से 1 व्यक्ति पर हमला, 2 लोगों ने मारा चाकू। यूपी में मऊ में बोर्ड परीक्षा में नकल, स्कूल पर मिली भगत कर नकल कराने का आरोप। कानपुर में एग्जाम में पेपर खराब होने पर छात्रा ने की खुदकुशी, पिता ने लगाई थी फटकार। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हरकत में आया एंटी रोमियो स्क्वाड, लखनऊ में 3 लोगों को पकड़ा गया।
यूपी के शाहजहांपुर में इंजीनियरिंग के छात्र और युवती का शव मिला, सिर में लगी गोली, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। गाजियाबाद में सामने आया मनचले की पिटाई का वीडियो, एक व्यक्ति को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की महिला कर्मचारी से मारपीट, एक मीटिंग के दौरान वीसी की मौजूदगी में पिटाई। कानपुर में पुलिस की वर्दी में चोरी, दो पुलिसवालों पर कार चोरी का आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के कौशाम्बी में गधों का मेला, देश भर से अलग अलग नस्ल के गधे लाए गए। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह का मोहल बनी घाट पर अंतिम संस्कार, हजारों समर्थक हुए शामिल। मंगलवार को शूटआउट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हुई थी मौत, घर लौटते वक्त की फायरिंग AK-47 से लैस थे हमलावर। वारदात से इलाके में तनाव, नीरज की मां ने चचेरे भाई और झड़िया से विधायक संदीप सिंह पर लगाया हत्या का आरोप। नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने बुलाया धनबाद बंद, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। बिहार के भागलपुर में जहरीला फल खाने से 15 बच्चे बीमार हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए। बिहार के कैमूर में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जैम। बिहार के कटिहार में दबंगों ने दलितों से की मारपीट, गांव से निकालने की धमकी, दहशत में बाहर परिवार। बिहार के छपरा में शराबी युवक ने पत्नी, बेटा और बेटी पर किया जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। पटना में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूटे 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी भी साथ ले गए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टैंकर ने कार को कुचला, 7 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मारे गए 11 में से 5 नक्सलियों के शव बरामद, बड़ी तादाद में हथियार भी मिले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लकड़ी के गोदाम में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। झारखंड के देवघर में किन्नरों ने निकाली कलश यात्रा, भगवान शिव की पूजा की। कोलकाता में नारद सिंह केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पोस्टरों और बैनरों के साथ पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। केरल के कोच्चि में पादरी गिरफ्तार, नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप। उत्तराखंड के रामनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, पहले एक लड़की से जबरन पिटवाया, फिर दूसरे लड़कों ने की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा, बचने के लिए 3 लड़कियां तालाब में कूदी, 2 की मौत। एमपी के सतना में जनधन खाते में सेंध, किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से निकाले 74,000 रुपए। राजस्थान के दौसा में मनचलों की गुंडागर्दी, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक को पीटा। इंदौर में डॉक्टर ने की खुदकुशी, दूसरे लड़के के साथ मुंगेतर की शादी से था नाराज। रतलाम में कलयुगी टीचर की करतूत, बच्चों के यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई, 25 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया, सरकारी आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज। एमपी के बड़वानी में लूटपाट कर भाग रहे बदमाश, बाइक से गिरे, लोगों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के रायसेन में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 12 यात्री घायल हैं। जयपुर में आरक्षण मांगने पहुंचे गुर्जर नेता मंत्री के घर पर आपस में भिड़े, गाली गलौज और हाथापाई। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह पहुंचे स्वर्ण मंदिर, मत्था टेका। कॉमेडी शो में काम करने के विरोध पर नवजोत सिद्धू का बयान, क्या करूं सुखबीर बादल की तरह भ्रष्टाचार करके पैसे कमा। जीएसटी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, 1 जुलाई तक लागू करने की करेंगे कोशिश, कर चोरी पर भी लगेगी लगाम। महंगी हुई चीनी, राज्यसभा में खाद्य राज्य मंत्री का बयान, 1 साल में रिटेल भाव 22% बढ़ा, भाव 42 रुपए प्रति किलो के पार। कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार का नया प्रस्ताव, नकद लेन देन 3 लाख से घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव। कैश ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, पकड़े जाने पर 100% तक जुर्माना। आधार के बिना नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, 1 जुलाई से ITR के लिए आधार होगा जरूरी। पैन कार्ड बनाने के लिए भी जरूरी होगा आधार, बिना आधार पैन भी माना जाएगा अवैध। हरियाणा में स्कूली टीचर और प्रोफेसर आधार कार्ड के जरिए लगाएंगे हाजिरी, 1 अप्रैल से होगा लागू। रेल मंत्रालय ने जारी की ट्रेन में खाने की रेट लिस्ट, चाय की कीमत 7 रुपए और थाली की कीमत 50 से 55 रुपए। 1 अप्रैल से रेल यात्रियों के लिए विकल्प स्कीम, वेटिंग टिकट के बदले उसी रूट की दूसरी ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट। अमेरिका में 8 और ब्रिटेन में 6 मुस्लिम देशों से आने वाली उड़ानों में लैपटॉप रखने पर रोक, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना होगा कार्गो होल्ड में। बगदाद के शिया बहुल इलाके में कार बम से धमाका, 23 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग। ग्वाटेमाला में नाबालिगों की जेल में खूनी झड़प के बाद कई जगह हमले, पुलिसकर्मियों की मौत, 8 लोग घायल। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, अमेरिका नौसेना का जहाज जलता हुआ दिखाया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास सेना और विद्रोही गुटों के बीच लड़ाई तेज, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। पेरू के राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पिछले 20 वर्षों में सबसे भयानक बाढ़, करीब 80 लोगों की मौत। जापान के मशहूर यासुकुनी श्राइन में चेरी ब्लॉसम के फूल खिले, पार्क में उमड़ने लगी लोगों की भीड़।
न्यूयॉर्क में सबसे पॉपुलर पालतू कुत्तों की सालाना लिस्ट जारी। लैब्राडोर रिट्रीवर लगातार 26वीं बार नंबर वन। एडवांस टैक्स भरने में सलमान ने अक्षय और ऋतिक को पीछे छोड़ा। साल 2016-17 के लिए भरा सबसे ज्यादा टैक्स। टीवी शो रोडीज की गैंग लीडर और एक्ट्रेस नेहा धूपिया अलवर में 4 दिन से चल रही है 15वें सीजन की शूटिंग। कपिल शर्मा की बदसलूकी पर सुनील ग्रोवर का जवाब, कहा कपिल नहीं है भगवान और बनने की कोशिश भी ना करें। फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान संजय दत्त की पसलियों में चोट लगी, चंबल में कर रहे थे एक्शन सीन। फिल्म स्टार धनुष को मेडिकल रिपोर्ट से राहत, खुद को माता पिता बताने वाले दंपति के दावे निकले गलत। फिलौरी के प्रमोशन का अनुष्का ने निकाला अनोखा तरीका, अपने जूतों पर छपवाई फिल्म के कैरेक्टर शशि की फोटो।